हीलियम 3 क्या होता है, हीलियम पहले समझिए क्या होता है। हीलियम एक बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये हीलियम होता है, केमिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है। इसमें अगर एक न्यूट्रॉन डाल दें तो ये हीलियम 3 बन जाता है, यानी हीलियम का भाई लेकिन थोड़ा भारी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हीलियम वाली हैं। हीलियम 3 से आप जब हम फ्यूजन पावर डिस्कवर कर लेंगे, और वर्ल्ड इज अबाउट टू डिस्कवर फ्यूजन पावर, और जैसे ही वर्ल्ड फ्यूजन पावर डिस्कवर कर लेगा आपकी सारी एनर्जी की क्राइसिस समाप्त। हीलियम 3 को अगर हम फ्यूजन पावर में डाल देंगे तो हीलियम 3 गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। और हीलियम 3 मून पर है, अर्थ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मून पर जो डस्ट है, मून इज कवर्ड विद हीलियम 3। इतनी हीलियम 3 है कि लगभग 11 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम 3 इज प्रेजेंट ऑन मून, मोस्टली अगेन ऑन द पोलर रीजन। और हीलियम 3 इतनी है मून पे कि अगर इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो धरती पे लगभग 40,000 साल तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मून विल बिकम अ पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर, मून विल बिकम आर लॉन्च स्टेशन ऑफ द फ्यूचर, देयर विल बी पीपल हु विल लिव ऑन मून, एंड ऑल दैट विल हैपन वंस वी स्टार्ट डिस्कवरिंग थिंग्स ऑन द पोल, एंड इसलिए हम पोल पे गए।